एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ राहुल। स्टॉक एनालिसिस की सीरीज़ में आज मैं आपके लिए एक और अच्छा स्टॉक लेके आया हूँ जो केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र सेक्टर का है। इस स्टॉक का नाम है खैतान केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड। ये स्टॉक बहुत टाइम से कंसोलिडेशन में था, यहाँ पे जो क्लियरली आप कंसोलिडेशन देख सकते हैं। उसके बाद इसने अभी कुछ एक अच्छी क्लोजिंग के साइड पे ये मूव कर रहा है, रिवर्सल के साइड पे ये मूव कर रहा है। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो इसने एक ट्रायंगल पैटर्न का पहले भी फॉर्मेशन दिया था जो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। कुछ इस टाइप का इसने ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन दिया था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था और स्टॉक बहुत ही अच्छा मूव किया था। अभी अगर हम इसको देखेंगे तो सिमिलर ये ट्रायंगल फॉर्मेशन का पैटर्न फिर से दे रहा है और फिर से ब्रेकआउट है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये स्टॉक फिर से रिवर्सल के साइड पे मूव करे। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिख रहा है। बहुत टाइम से कंसोलिडेशन किया इसी सेम ट्रायंगल पैटर्न में, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो अब यहाँ पर ये स्टॉक ब्रेकआउट के लिए रेडी है। ब्रेकआउट देने के बाद कुछ स्टॉक टेस्ट करेगा और अपसाइड पे मूव कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है। इसके पहले भी मैंने आपको वीडियोस में बताया है कि ट्रायंगल रिवर्सल पैटर्न के जो फॉर्मेशन है या ट्रायंगल पैटर्न जब भी ऐसा फॉर्मेशन बनता है तो उसका टारगेट किस टाइप से निकालते हैं हम। ये ट्रायंगल पैटर्न का जो लो रहता है वहाँ से लेके जहाँ से ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है वहाँ 20, जैसे यहाँ पर 35 रुपीस का एक टारगेट निकल के आ रहा है। तो जब भी यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्मेशन का यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद जो हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ पर आप मिनिमम 35 रुपीस का तो भी टारगेट लेके मैनेज कर सकते हैं। इट मीन्स अगर यहाँ पर ये 80 रुपीस के नियर बाय अगर ब्रेकआउट देता है तो इसका टारगेट मिनिमम यहाँ से 35 रुपीस का होना चाहिए। स्टॉक ऑल टाइम हाई भी स्टॉक का 152 के पास है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टॉक के पास अभी मार्जिन भी है, फॉर्मेशन भी अच्छा दे रहा है और इसके पहले यहीं से सेम ब्रेकआउट हुआ था। अगर मैं स्टॉक को आपको और अच्छे से एनालिसिस करके बताऊं तो ये आप देख रहे होंगे ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था इसका। रेजिस्टेंस पॉइंट के बाद इसने यहाँ पे एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था। सेम अभी इसने इसी पॉइंट को रिस्पेक्ट किया है, यही रेजिस्टेंस पॉइंट को रिस्पेक्ट कर चुका है और मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस हो चुका है, मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हो चुका है ये। तो अब चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये स्टॉक ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करके अपसाइड पे मूव करे। स्टॉक एनालिसिस की सीरीज में अगर आपको अपना भी कोई स्टॉक एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।